कराची समेत सिंध भर में रेंजर्स के इख्तियारात के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क्यादत का दुबई में इजलास जारी है। इजलास की सदारत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं। इजलास में TORs, रेंजर्स इख्तियारात और दीगर मामलात पर गौर किया जा रहा है। इसी पर बात करेंगे अनवर आजाद से। अनवर, बताइएगा इजलास में मजीद किन किन मामलात पर गौर किया जाएगा? जी बिल्कुल, इस वक्त दुबई में पीपीएस वरिष्ठ चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मुश्तरक सदारत में एक इजलास जो है इस वक्त पीपल्स पार्टी के जो रहनमा है उनका जारी है। इजलास में वजीर अलासन सैयद कायम अली शाह, वजीर खजाना सैयद मुराद अली शाह, रहमान मलक फरियाल तालपुर और दीगर पीपल्स पार्टी के रहनमा जो वो भी शरीक हैं। इस इजलास में खासतौर पर रेंजर्स के कराची में इख्तियार आते हैं, उसके अलावा रेंजर्स का उस हवाले से और इसके साथ साथ पनामा लीक्स के मामले पर TORs के हवाले से पर भी गौर के इजलास में मुतवक तौर पर अहम फैसले किए जाने का भी इम्कान है। लेकिन इस वक्त जो है मुशावरत यानी मामला पर गौर जो है वो सब जारी है। शुक्रिया अनवर आजाद।